लखनऊ में अनुराग ठाकुर का सपा पर बड़ा हमला सामने आया है। कहते हैं साइकिल रखो नुमाइश में, कमल ही खिलेगा 22 में। ये एक नई लाइन निकल करके सामने आई है। सपा से कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है, ये भी कह रहे हैं सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। सपा की हालत अखिलेश के चेहरे से दिखाई पड़ती है, तो ये भी प्रहार किया और नई लाइन निकल करके सामने आई है कि साइकिल रखो नुमाइश में, कमल ही खिलेगा 22 में। तो ये दो नई लाइन निकल करके सामने आई है लखनऊ से, जहां सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ये कहना है कि अखिलेश यादव के चेहरे से अब हताशा दिखाई देती है। क्या कहा है उन्होंने एग्जैक्टली, सुनिए आप। मैं तो यही कहूंगा साइकिल रखो नुमाइश में, कमल ही खिलेगा 22। धन्यवाद। मैं तो यही कहूंगा साइकिल रखो नुमाइश में, कमल ही खिलेगा 22। धन्यवाद। मैं तो यही कहूंगा साइकिल रखो नुमाइश में, कमल ही खिलेगा 22। धन्यवाद। मैं तो यही कहूंगा साइकिल रखो नुमाइश में, कमल ही खिलेगा 22। देखिए अलग अलग तरीके से अपने विरोधियों पर निशाना साधा जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों में। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमएसपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। 5 राज्यों में होने वाले मतदान से ठीक पहले कृषि मंत्री ने एमएसपी पर कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। नरेंद्र तोमर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद एमएसपी पर कमेटी बनाई जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि कमेटी न सिर्फ एमएसपी को प्रभावी रूप से लागू करने पर विचार करेगी, बल्कि प्राकृतिक खेती और क्रॉप डाइवर सिक्फेशन जैसे विषयों पर भी विचार करेगी। तो ये बड़ा बयान है क्योंकि एमएसपी को लेकर लगातार किसान जो है अपनी नाराजगी दर्ज करवाते हैं और एमएसपी को लेकर भी अभी भी लगातार किसान आंदोलन की चेतावनी देते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्राकृतिक पद्धति खेती और एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। सरकार प्रधानमंत्री जी के घोषणा के प्रति प्रतिबद्ध है। कार्यवाही विभाग मंत्रालय में प्रचलित है। चूंकि चुनाव चल रहे थे इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग के सहमति के लिए लिखा था। चुनाव आयोग का जवाब आ गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कमेटी बनाने पर कार्यवाही करें। प्रधानमंत्री जी ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्राकृतिक पद्धति खेती और एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। सरकार प्रधानमंत्री जी के घोषणा के प्रति प्रतिबद्ध है। कार्यवाही विभाग मंत्रालय में प्रचलित है। इसी बीच खबर यह भी है कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी ज्वाइन करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह कांग्रेस के लोगों को बीजेपी मिला रहे हैं। आज कांग्रेस के पडरौना से प्रत्याशी बनाए गए मनीष जायसवाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसी मौके पर आरपीएन सिंह ने एबीपी गंगा से खास बातचीत भी की। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक लगातार जारी है, दूसरे दलों में लगातार सेंध मारी जा रही है और आज कांग्रेस ने पडरौना से जिसको टिकट दिया था मनीष जायसवाल, उन्होंने टिकट तो छोड़ा ही, पार्टी भी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन की। श्रेय जाता है पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह को, हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हुए। आरपीएन जी, जिस तरह से पडरौना हमने देखा, पार्टी का टिकट लेने के लिए लोग इंतजार करते हैं, मनीष जायसवाल को टिकट मिल गया, उन्होंने टिकट वापस किया, बीजेपी में आ जाए। नहीं देखिए, हमारे यहाँ जितने लोग हमारे जिले में थे सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। जिस तरह बड़ी योजनाएं, हम पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल पे हमें गर्व है और जो बड़ी परियोजनाएं पूर्वांचल में केंद्र सरकार ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक्सप्रेसवेज, हर योगी जी के सरकार ने हर हमारे पूर्वांचल के जिलों में मेडिकल कॉलेज, जो बड़ी जो हम लोग जिसके बारे में सपने देखते थे वो आजकल ज़मीन पर उतार कर इस सरकार ने दिया है। और अगर हमें आगे बढ़ना है, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, एक बहुत पूर्वांचल में तमाम लोगों का नाम, दिग्गजों का आपने क्राइम के नाम में सुना होगा, उनका आज नाम नहीं सुनाई देता है क्योंकि कानून व्यवस्था पहले, कानून व्यवस्था रहेगा तभी आदमी अपनी ज़िंदगी चल सकता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, प्रधानमंत्री जी जब 100 रुपये गरीब के खाते में भेजते हैं दिल्ली से, तो वो 100 रुपये खाते गरीब के खाते में, पडरौना के गरीब के खाते में जाता है। आज अगर आवास में, प्रधानमंत्री आवास में 2,75,000 रुपये चलते हैं दिल्ली से,
तो पडरौना के नगर पालिका में 2,75,000 के गरीब के खाते में पैसे जाते हैं, बीच में कोई दलाली नहीं करता है। गरीब के अनाज अगर जाता है तो उस गरीब के साथ सीधे जाता है, ये होता है सेवा की भावना। आप कह रहे हैं कि पूर्वांचल से आप आते हैं, तो पूर्वांचल के और जिलों के लोग भी संपर्क में हैं, वो भी जल्द छोड़ कर आएंगे क्या? लोग आ रहे हैं सर, हमने किया है जो किसी पद के लालच में नहीं, भारतीय जनता पार्टी की को मजबूती देने के लिए जितने लोग ज्वाइन कर रहे हो ना, किसी लालच के माध्यम से नहीं आ रहे हैं कि हमको ये दिया जाए, सब लोग एक उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए आ रहे हैं और जितने लोगों को आना है उन सबका स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, बार बार जब आपने ज्वाइन की बीजेपी तो निशाना आप पर साधा, कहा कि कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया लेकिन जब मौका आया तो वो अपने स्वार्थ में छोड़कर चले गए। हाँ, विधायक का टिकट भी मैंने उनको दिया था, परंतु मैं व्यक्तिगत किसी पर बोलता नहीं हूँ, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पे तो जरूर बोलेंगे, वो तो कह रहे हैं कि आरपीएन सिंह को मैंने हराया है, उनके परिवार में लोगों को हराया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बार बार वो आपका नाम लेके निशाना साध रहे हैं, उनके ऊपर तो कुछ बोलेंगे? नहीं सर, मैं उन पे भी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, सब लोग अपने घर से लड़ना चाहते हैं, 20 साल हो गए, एक बार प्रतापगढ़ से भी लड़ लेते हैं। तो पडरौना छोड़ के फाजिलनगर चले गए, इस पे तो जरूर कुछ कहेंगे? नहीं नहीं, अपने घर तो लड़ जाते हैं, कभी पडरौना लड़ते हैं कभी फाजिलनगर लड़ते हैं, मैं तो पडरौना ही रहता हूं, और कोई चुनाव लड़ूंगा तो पडरौना ही से लड़ूंगा। केवल आपके आने मात्र से चले गए क्या? ये तो वही बता पाएंगे, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं। आखिरी सवाल आपके साथ ही अजय राय रहे, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है प्रधानमंत्री को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर, कहा नतीजों के बाद हम गाड़ देंगे जमीन में, इस तरह का बयान किसी नेता को? हमेशा अपने राजनीतिक जीवन में कहता रहा हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, अगर सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के बयान देना पड़ता है तो आपने समाज के लिए कुछ नहीं किया होगा। और अफसोस से मैं हमेशा कहता हूँ, आपने तमाम व्यक्तियों के बारे में पूछा, राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी करने की क्या जरूरत है, और इस तरह के वो भी अगर कुछ आपको बोलना है तो राजनीतिक आप कुछ बोल सकते हैं, जिस तरह का भाषा लोग प्रयोग करते हैं इस तरह का दुखद। तो ये आपने सुना क्या कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है ये सभी को पता है, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि पूर्वांचल से तमाम सारे जो कांग्रेस के लोग हैं वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे आने वाले दिनों में। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, अजय लल्लू पर ये जरूर कहा कि टिकट भी उन्होंने दिलाया था, पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजनीति में कम से कम किसी को भी इस तरीके की टिप्पणी करने से खुद को बचाना चाहिए। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। सपा प्रत्याशी के तौर पर फाजिलनगर विधानसभा सीट से आज कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद एबीपी गंगा ने उनसे खास बातचीत। सपा प्रत्याशी के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आज नामांकन किया फाजिलनगर विधानसभा से, वो हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज आपने नामांकन किया, क्या लग रहा है, यूपी का मूड क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता के आंख में धूल झोंक करके वोट लिया, नारा दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन बारी बारी से सबका विनाश कर रहे हैं। आज किसान ठगा महसूस कर रहा है, उसकी फसलें छुट्टा जानवर चल रहे हैं, नौजवानों को नौकरियां मिल नहीं रही हैं, हर परीक्षा भ्रष्टाचार की शिकार हो गई, नौकरी के नाम पर नौजवानों को लाठियां मिल रही हैं, अनुसूचित जात जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के आरक्षित पदों पर खुल्लम खुल्ला सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती कर रहे हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लोगों से बहुत ज़्यादा हाई मेरिट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्गों की है, चयनित भी हैं, और चयनित होने के बावजूद भी उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, और साथ ही साथ आज सरकार की गलत नीतियों से जो छोटा व्यवसायी व्यापारी है वो चौराहे पे आ गया है, यहाँ तक कि आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जात बात का नंगा नाच चल रहा है, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी जो एक गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश भी हैं, एक पत्रकार ने जब वार्ता किया कि आपको क्षत्रिय राजपूत का पक्ष लेने का आरोप लगता है, तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैं क्षत्रिय जात में पैदा हुआ हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। स्वाभाविक रूप से जो योगी होता है, संत होता है, साधु होता है, उसकी कोई जात नहीं होती, और मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री की भी कोई जात नहीं होती है, वो पूरे देश और प्रदेश का होता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को क्षत्रिय जात में पैदा होने का गर्व है, योगी भी हैं, और सबसे बड़ी जो योगियों की पीठ है
गोरक्षनाथ पीठ उसके पीठाधीश्वर हैं, बड़े गर्व से करें तो स्वाभाविक रूप से जो इस दम्भ और गर्व के साथ कहेगा वो जात बात का नंगनाथ तो करेगा ही करेगा। आज महाराज जी गोरखपुर से योगी जी ने नामांकन किया है और कहीं ना कहीं पूरे पूर्वांचल की सीटें हैं उसको साधने का प्रयास है, भाजपा से अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान जी सब लोग गोरखपुर में कैंप किए हुए हैं, क्या लगता है आपको कितनी सीटें आ रही हैं उनकी? देखिए 2017 के पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का आंकड़ा 42 था, हम इनको 50 के नीचे ले जाएंगे। कोई बड़ा सा बड़ा नेता नाक भी रगड़ ले तो भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि हम 300 सीटें लेके आ रहे हैं क्योंकि यूपी में इसके पहले 2017 के पहले माफियाओं का राज था और या इस समय या तो माफिया प्रदेश के बाहर है या जेल में या फिर सपा की लिस्ट में है। भारतीय जनता पार्टी में एक से बड़े एक माफिया हैं और शायद हो सकता है शाह जी को न पता हो, माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने के पहले भी इनके ऊपर बहुत से केसेस थे और साथ ही साथ इनके एक डिप्टी सीएम हैं उनके पास भी दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे थे। इनके सरकार के कई विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ बहुत से मुकदमे थे, इसलिए पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें तो दूसरों पर उंगली उठावें। और यह जनता को अब भरमाने का जो इनका काम है जनता ने देख लिया, अब इनके किसी भी साजिश का शिकार नहीं होगी, भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। कितनी सीटें आ रही हैं आप लोगों को? हम पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। थैंक यू। अभी स्वामी प्रसाद मोहर थे हमारे साथ, वो बात कर रहे थे कि वो सपा मतलब सपा की सरकार बनने जा रही है यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार। अखिलेश तिवारी, कुशीनगर। तो सहयोगी अखिलेश तिवारी से बात की है स्वामी प्रसाद मौर्य ने और साफ तौर पे कह दिया है कि जात पात पे वोटिंग नहीं होगी और पूर्वांचल में डेरा डालने से भी कोई फायदा नहीं होगा, सपा की सरकार आ रही है। बिल्कुल, देखिए दावे लगातार किए जा रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है लोकसभा में, असदुद्दीन ओवैसी का बयान, मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। सोमवार को लोकसभा में बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह, ओवैसी पर हुए हमले मामले पर गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे। आपको बता दें कल छिजारसी टोल प्लाजा पर हमला हुआ था, असदुद्दीन ओवैसी की काफिले पर 5 राउंड फायरिंग की गई थी, दोनों आरोपी पकड़ लिए गए हैं और इस बीच बड़ा बयान असदुद्दीन ओवैसी का। आपके जरिए से सरकार को भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तारीफ करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूं। ये जो कुछ बातें की गई उसको देखिए, मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे, मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं, मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को मजलूमों को अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर, आप मैं आप सिक्योरिटी दे रहे सर आपको नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान अखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर, ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। लोकसभा में सुन रहे थे आप ओवैसी को, लेकिन इस दरमियान भी वो मीडिया से रूबरू हैं, क्या कह रहे हैं फिलहाल सुनते हैं। कौन है ये लोग, इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं? और अगर आप वो शूटिंग देखेंगे तो ये ऐसा नहीं लग रहा था कि इनके हाथ में पहली मर्तबा वेपन आया है। मेरे पास भी एक लाइसेंस वेपन है, जिस तरीके से वो पकड़ रहे थे, जिस तरह से उनका हाथ का मूवमेंट था, चलते हुए मार रहे थे, उससे कोई भी आपको बैलिस्टिक एक्सपर्ट कहेगा कि वो बाज़ाब्ता उस हथियार को इस्तेमाल करना बेहतरीन तरीके से जानते थे। ये और बात है कि अल्लाह ने मेरी जान को बचाना अल्लाह ने तय कर लिया था, इसीलिए हमको कुछ नहीं हुआ, मगर ये जहनीत के लोग हैं। रेडिकलाइजेशन की वजह से गांधी की मौत हुई,
रेडिकलाइजेशन की वजह से भारत के दो दो प्रधानमंत्रियों की मौत हुई, रेडिकलाइजेशन की वजह से भारत के कई मुख्यमंत्रियों की बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की मौत हुई है। इस रेडिकलाइजेशन को आप देखिए, अगर आप नहीं देखेंगे तो आप जो एक फ्रैंकनस्टाइन क्रिएट कर रहे हैं ये कहीं आपको ही ना खा जाए। और मुझे डर है कि आने वाले चंद सालों में भारत की राजनीति जो मेजोरिटेरियनिज्म पर चल रही है कहीं इजराइल की राजनीति की तरह ना हो जाए। तो असदुद्दीन ओवैसी, हमला उन पर जब से हुआ है लगातार उनकी तरफ से बड़े बयान दिए जा रहे हैं और वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ऐसी नफरत भरी राजनीति को खत्म करना होगा। बिल्कुल, और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, इसीलिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। विजय तिलक।